क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पर आपको डिफिनीशन बताना है। डिफिनीशन क्या है? पैरेलल लाइंस, पैरेलल ये आपकी लाइंस हैं LM। व्हाट इज पैरेलल लाइंस? यू नो इफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। कहने का मतलब है कोई एनी भी टू लाइंस हैं, थ्री लाइंस है, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है आप कहीं भी मेजर करें तो मेजर करने पर अगर उसका डिस्टेंस इक्वल आता है तो अपोजिट लाइंस आर पैरेलल या अपोजिट लाइंस विल बी पैरेलल। If distance between two lines are equal, then the two lines then the two lines will be parallel. Parallel. Hence, L parallel M. ठीक है, समझ गए? If the distance between two lines are equal, then the two lines will be parallel. Perpendicular lines कौन सी होती हैं? If any lines falls another line and make right angles at the meeting points, then such that lines will be perpendicular. Perpendicular lines, ठीक है? If any lines falls another line and make right angle at the meeting points, then the meeting point then such that lines will be perpendicular lines. Line segment, ये आपका line segment होता है। If a line has two end points, then the line will be called B line segment. अगर लाइन का टू एंड पॉइंट होगा तो उस लाइन को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, अच्छा रेडियस आपके सर्कल क्या है? सर्कल की रेडियस क्या होती है? आपको पता है ये सेंटर होता है और सेंटर से सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वही रेडियस होती है।
डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस सेंटर एंड सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस. R that line those lines which joined the circumference from the center is called radius. ठीक है. सेंटर से सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन जो सेगमेंट जो होता है वो रेडियस होता है. अब स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर एनी क्वाड्रिलेटरल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड each angle of the and each angle each right angle each called square. ठीक.